गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग एल्यूमिनेशन टेस्ट में मैंने टाइप्स ऑफ द एल्यूमिनेशन टेस्ट मैंने आपको जो बताया था, एक स्लाइड और दूसरा ट्यूब। स्लाइड टेस्ट में आप लोगों ने स्लाइड एल्यूमिनेशन टेस्ट में आप लोगों ने देखा कि उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। मैंने वहां बताया था आप लोगों को कि ये एल्यूमिनेशन टेस्ट किस पे परफॉर्मिंग किया जाएगा, स्लाइड किस पर, स्लाइड पर। दो तीन बातें उसमें सिंपल टर्म के जानने वाली बातें, ये डायरेक्ट एल्यूमिनेशन टेस्ट के अंतर्गत है उसी का मैं आपको बता रहा था। स्लाइड में सबसे पहले मैं एक स्लाइड लिया, क्या मिस किए थे इसमें, दो बार इसमें याद रखना, नॉर्मल स्लाइड लेकर के हमने पहले क्या बनाना होता है, सस्पेंशन। कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी ने लिया गया या हमने सीरम लिया, पहले उसको क्या बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सस्पेंशन, व्हाइट मिल्की सस्पेंशन। ओके, इस तरीके से व्हाइट मिल्की सस्पेंशन बन जाता है। इसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या मिलाया था, एंटी सेरम। क्या मिलाया था, एंटी सेरम। मैंने आपको उसमें रिक्वायर था वन ड्रॉप एंटी सेरम। जैसे वन ड्रॉप एंटी सेरम मिलाते हैं और इसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, ठीक है। अब चाहे इसको मैनुअली कर सकते हैं या फिर ऑटो रोटेटर पर इसको रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं तो आफ्टर द सम टाइम फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकेंड्स के बाद इसमें क्या होता है, क्लंपिंग दिखाई देता है, विजुअल क्लंपिंग होने लगता है। अगर विजुअल क्लंपिंग हुआ दैट क्या होता है, वो पॉजिटिव। नहीं हुआ क्या होगा, नेगेटिव। ये बात मैंने आपको बताया था। दूसरी बात है, स्लाइड में मैंने ये भी बताया था कि इसमें लेटेस्ट एल्यूमिनेशन, सॉरी लेटेस्ट पार्टिकल यूज होते हैं, पार्टिकल ग्रुप। अभी आगे में डिटेल आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लेटेस्ट एल्यूमिनेशन टेस्ट के बारे में भी पढ़ने में मिलेगा, तो वहां हम आपको डिटेल बताएंगे। फिलहाल अभी इतना जानकर ना कि स्लाइड टेस्ट कैसे होता है, परफॉर्मिंग हम लोग इसी तरह से करते हैं। उसमें पार्टिकल्स लेते हैं और या सीरम हम बात करें या फिर बैक्टीरिया कॉलोनी लिया, नॉर्मल स्लाइड में हमने उसका क्या किया, मिक्स करके सस्पेंशन बना लिया। ओके, और फिर हमने टेस्ट को परफॉर्मिंग किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टेस्ट से, स्लाइड से, हम सिर्फ पॉजिटिव एंड निगेटिव की बातें दे सकते हैं, टाइटल नहीं दे सकते। जो अगली जो टॉपिक आप लोगों के मिल रहा है इसमें उसी से रिलेटेड है, ट्यूब एल्यूमिनेशन टेस्ट। अभी जो एल्यूमिनेशन स्लाइड पर हो रहा था, अब ये एल्यूमिनेशन किस पर करेंगे, हम लोग ट्यूब में करेंगे। और ट्यूब में करेंगे फिर यहां पर हम लोग देखेंगे कि कितना बन रहा है या आई मीन एल्यूमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देते हैं, टाइटल देते हैं। क्या देते हैं, टाइटल के बारे में देते हैं। खास करके विडाल टेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा तो वहां पर टाइटल की बात आती है, तो जो मैक्सिमम डायल्यूशन की बात आती है वहां लिया जाएगा कि किसमें क्या होते हैं। फिलहाल थोड़ी सी डिफिनेशन है, आप लोग डिफिनेशन पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि क्या होता है एल्यूमिनेशन। ट्यूब एल्यूमिनेशन टेस्ट, दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव प्रोसीजर फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी का डिटेक्शन फॉर एंटीबॉडी टाइटर, ठीक, एंटीबॉडी टाइटर। ये टेस्ट किसके लिए डिटेक्शन होता है, डिटरमिनेशन किसको डिटरमाइन करते हैं, एंटीबॉडी टाइटर। ट्यूब एल्यूमिनेशन टेस्ट के द्वारा हम लोग किसको डिटरमाइन करते हैं, एंटीबॉडी टाइटर को, ठीक।
ये सीरोलॉजी में ये रूटीन टेस्ट होता है। रूटीन टेस्ट की बात करें, ये रूटीन टेस्ट इन द सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस जैसे किसमें किया जाता है, इट इज रूटीन सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर टाइफाइड टाइफाइड में होता है एक्यूट ब्रुसेलियोसिस। ठीक, एक्यूट ब्रुसेलियोसिस एंड पैराटाइफाइड एंड पैरा इसमें हम ट्यूब एलिमिनेशन की अगर हम बात करें, यह रूटीन टेस्ट होता है किसके लिए, टाइफाइड के लिए, ब्रुसेलियोसिस के लिए और पैरा टाइफाइड के लिए। ये हम लोग टेस्ट अगर परफॉर्म करना हुआ इन सबका वो किसके द्वारा करते हैं, ट्यूब एलिमिनेशन टेस्ट के माध्यम से करते हैं, ट्यूब एलिमिनेशन के द्वारा करते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, ध्यान देना ये सीरियल डायलूशन टेस्ट की होती है। ध्यान देना ये टेस्ट को परफॉर्मिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग सीरम को किसमें करते हैं, सलाइन में। ठीक है, सीरम को हम लोग डायलूट करते हैं। इस टेस्ट की परफॉर्मिंग को ध्यान देना, सीरम ओके, ये सीरम इज डायलूटेड सीरम को हम लोग क्या करते हैं, डायलूट करते हैं किसमें, इन सलाइन, डायलूटेड इन सलाइन सीरियली बाय सीरियल से सीरियली बाय डबल डायलूशन बाय डबल डायलूशन इन डबल डायलूशन इन अ सीरीज। ठीक, डबल डायलूशन इन अ सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स एंड इक्वल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंटीजन सस्पेंशन स्टैंडर्ड सस्पेंशन इज एडेड टू ऑल ठीक है ऑल ट्यूब्स एंड विच इंक्यूबेटेड हाईएस्ट डायलूशन ऑफ सीरम एट विच एलोकेशन अक्रॉस
which elocution occurs is recorded as which elocution occurs in recorded as antibody type. ठीक, यहां ध्यान देना highest dilution. देखते हैं ट्यूब एलुक्रेशन टेस्ट की अगर हम बात करें, ट्यूब एलुक्रेशन टेस्ट जो होता है ये बहुत ही हम कह सकते हैं सेंसिटिव टेस्ट की बात होता है. ये स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव प्रोसीजर बहुत ही सेंसिटिव होता है. ये टाइम ड्यूरेशन और इन सब चीजों को लेकर के कैसे ये एलुक्रेट होगा. तो हमने यहां बताया आपको कि ट्यूब एलुक्रेशन टेस्ट में कि दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव प्रोसीजर फॉर डिटेक्शन फॉर एंटीबॉडी टाइटर. ट्यूब एलुक्रेशन टेस्ट जो होता है स्टैंडर्ड होता है. देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं एंटीबॉडी टाइटर. तो द ट्यूब एलुक्रेशन टेस्ट परफॉर्मिंग फॉर द एंटीबॉडी टाइटर किसके लिए करता है, एंटीबॉडी टाइटर को परफॉर्मिंग करने के लिए, को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ट्यूब एलुक्रेशन टेस्ट. इसमें मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन करने के बाद देखते हैं कि किस पर यह रिएक्टिव होता है. इट इज रूटीन सेरोलॉजिकल टेस्ट. ये क्या होता है, प्रकार का रूटीन सेरोलॉजिकल टेस्ट होता है. किसके लिए, टाइफाइड के टाइफाइड फीवर में, एक्यूट ब्रुसेलियोसिस में या पैराटाइफाइड फीवर में, पैराटाइफाइड केस में क्या होता है, ये रूटीन टेस्ट होता है. ओके, इसको परफॉर्मिंग करेंगे कैसे. यहां पर सबसे पहले हम लोग सीरम इज डायल्यूटेड. सीरम को क्या करते हैं, डायल्यूट करते हैं किसमें, नॉर्मल सलाइन. देखो सीरम इज डायल्यूटेड इन सलाइन. सलाइन इसको क्या करते हैं, हम लोग डायल्यूट करते हैं. कैसे करते हैं, सीरियली. अभी मैं आपको प्रोसीजर का दिखा दे रहा हूं कि सीरियसली इसको करते हैं. ऐसे सीरियल से लेकर के एक ट्यूब दो ट्यूब ऐसे सीरियल से लेकर के इसको क्या करते हैं, हम लोग डायल्यूट करते हैं बाय किसके द्वारा, डबल डायल्यूशन. किस मेथड द्वारा, डबल डायल्यूशन इन अ सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब रहते हैं उनमें कई ऐसे सीरीज, उनके सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डबल डायल्यूशन करते हैं. और फिर करते क्या है, इक्वल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंटीजन. जो स्टैंडर्ड एंटीजन होता है उसकी इक्वल वैल्यू क्या करते हैं, को लेकर क्या करते हैं, सस्पेंशन करते हैं. सस्पेंशन बनाते हैं जो इज एडेड टू ऑल ट्यूब्स और उसी को क्या करते हैं, सभी ट्यूब्स में एड करते हैं और उसको क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं. कुछ टाइम तक वेट करते हैं, इंक्यूबेट किया. इंक्यूबेशन पीरियड आपको माइक्रोन बहुत अच्छे से बताया गया है. तो उसको हम इंक्यूबेट करते हैं. जब ये इंक्यूबेट हो जाते हैं उसमें देखते क्या है कि हाइएस्ट डायल्यूशन ऑफ द सीरम, सीरम का जो सबसे हाइएस्ट डायल्यूशन होता है, ठीक, अगर उस पर एलुक्रेशन एट विच एलुक्रेशन जो कि एलुक्रेट होता है या अगर जो अगर उसमें हाइएस्ट डायल्यूशन पर एलुक्रेशन अगर जो मिलता है उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसके लिए, एंटीबॉडी टाइटर. एंटीबॉडी टाइटर को किस पर नोट किया, हाइएस्ट एलुक्रेशन किस पर, आई मीन हाइएस्ट डायल्यूशन ऑफ सीरम. तो हाइएस्ट डायल्यूशन ऑफ सीरम जो क्या होता है, एलुक्रेट अगर हुआ, हाइएस्ट डायल्यूशन ऑफ सीरम एलुक्रेट हुआ तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसके लिए, एंटीबॉडी टाइटर के लिए. ओके, इसके हम प्रोसेस पूरा देखते हैं कि कैसे हो रहा है. देखिए सबसे पहले ये माना एक ट्यूब है. ओके, ये है मान लेते हैं स्टॉक सॉल्यूशन. क्या है ये, स्टॉक सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन है. ओके,
और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन में ध्यान देना, नर्वस लाइन इसमें लगभग कितना है आपका 9 ml और ये 9 ml नर्वस लाइन। स्टॉक सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, उत्तर करते हैं ये 1 ml ले लिया, फिर इसमें, फिर इसमें और इसमें। ये है ट्यूब ए, ट्यूब बी, सी और ये डी। हमने 1 ml लिया, पुटअप किया, फिर यहां पर भी 1 ml, 1 ml, 1 ml, मतलब इसमें से हमने 1 ml लिया, ओके, यहां से लिया हमने 9 ml था, इसे मिक्स किया 1 ml, इसमें मिक्स किया, फिर यहां से 1 ml लिया, अभी ये सस्पेंशन बना, फिर 1 ml लिया, इसमें डाला, फिर इसमें, ऐसे, इसमें से लिया, यहां मिक्स किया, फिर यहां से 1 ml लिया, इसमें मिक्स किया, फिर इसमें से 1 ml इसमें, फिर इसमें से इसमें, इस तरीके से हम इसको डायलूशन कर रहे हैं। डायलूशन केस में याद रखना, ये कितना होगा 1/10 होगा, ये 1/100, 1/1000, 1/10,000। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, 10^-1, 10^-2, 10^-3, 10^-4। अब करते क्या है इसे, ये तो हमारा आपका ये सारे टेस्ट ट्यूब हो गया, ये मैक्सिमम ये हमने क्या किया, डायलूशन कर लिया है, ये क्या हो गया, सीरियल डायलूशन। हमने आपको बताया उसमें इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन मैंने आपको दिया था उसमें कि एन इक्वल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इंटीजर, हम एक इक्वल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इंटीजर की बात करते हैं, सस्पेंशन को ले लेते हैं और ये क्या करते हैं, आल ट्यूब्स, सभी ट्यूब्स में क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड हमने लिया 1 ml लिया, अब इसी को हमने क्या किया, सब में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसको क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। जब ये इंक्यूबेट हो जाता है तो फिर अब आगे हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं, इसमें हम लोग मिलाते हैं पर्टिकुलेट एंटीजन। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फिल्ट्रेशन क्या होता है, पर्टिकुलेट एंटीजन की बात करते हैं हम, इसमें क्या मिक्स करना होता है, यहां पर नोट कर सकते हैं आप लोग, पर्टिकुलेट एंटीजन मिलाते हैं, ठीक, इसको नोट कीजिए आप लोग, है इसमें हमने एंटीजन मिक्स किया, सबको दैट क्या मिलाते हैं, एंटीजन। एंटीजन है, मान लिया एंटीजन हमने क्या किया, इसमें मिक्स कर दिया, कौन सा एंटीजन है, ये है आपका पर्टिकुलेट एंटीजन, ठीक। हमने सबसे पहले क्या लिया था, स्टैंडर्ड सीरम का स्टैंडर्ड लिया था, डायलूशन कर लिए, एक अलग ट्यूब है, ठीक, एक दूसरा ट्यूब की हम बात कर लेते हैं यहां पर, और इस ट्यूब में क्या है, ये पर्टिकुलेट एंटीजन है, अब इस पर्टिकुलेट एंटीजन को क्या करते हैं हम लोग, सभी में क्या करते हैं, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या होगा, पर्टिकुलर एंटीजन जैसे ही मिलाएंगे, जो इंक्यूबेट करके रखा गया है इन चारों में, जैसे ही हमने एंटीजन को मिलाया तो होगा क्या, पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट, जो पॉजिटिव टेस्ट होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, एग्लूटिनेशन, क्या करेगा, क्या परेशान करेगा, एलोपिनेशन देगा। जबकि अगर निगेटिव टेस्ट की बात करें, जो निगेटिव टेस्ट होगा इंडिकेट, निगेटिव टेस्ट इंडिकेट एलोपिनेशन, ठीक है, एलोपिनेशन हैज नॉट अकर्ड,
एलुमिनेशन हैज नॉट अकर्स, आई मीन अगर इसमें एलुमिनेशन हुआ, सपोज जैसे ये क्या था आपका 10^-1, 10^-2, 10^-3 और 10^-4, तो जिसमें एलुमिनेशन होगा अगर पॉजिटिव टेस्ट है क्या इंडिकेट करेगा एलुमिनेशन। अब किस तरह इस पर इंडिकेट हुआ, यहां हुआ, यहां हुआ या यहां हुआ, तो जिस पर होता है हम लोग उसको क्या देते हैं टाइटल के रूप में देते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट एलुमिनेशन, पॉजिटिव टेस्ट क्या इंडिकेट करेगा एलुमिनेशन, एलुमिनेशन करेगा, निगेटिव क्या करता है एलुमिनेशन नहीं देता। ओके, तो जैसे ही ये पॉजिटिव की बातें आया इनमें क्या हो जाएगा एलुमिनेशन होगा, विजुलाइज क्लंपिंग हमें आपको क्या होगा दिखता रहेगा, और जिनमें नहीं होगा वो क्लंपिंग नहीं होगा। ओके, तो यहाँ केस ये बनता है कि हम लोग इसको किसमें परफॉर्मिंग करते हैं, तो याद रखना इस तरीके का टेस्ट जो होता है रूटीन टेस्ट में आता है ट्यूब एलुमिनेशन में। ट्यूब एलुमिनेशन में सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ता है डायल्यूशन, क्या किया हमने डायल्यूशन किया सीरियल डायल्यूशन किया, उसके लिए बड़ा आसान सा मैंने आपको बताया इसमें स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ये लिया ये सबने 9 ml प्रयास लाइन मिस किया, हमने 1 ml इसमें क्या किया ड्रॉप किया सस्पेंशन बनाया, आई मीन इस तरीके से इसको इंक्लूडेट किए। फिर से हम लोग क्या करते हैं पर्टिकुलेट एंटीजन हम लोग मिलाते हैं, जैसे पर्टिकुलेट एंटीजन मिलाते हैं अब वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम, याद रखना कि मैक्सिमम इनमें जिनमें बात आएगा टाइटल की बात जो टाइटल देने की बात आता है यहाँ पर मैंने आपको लास्ट नोट बताया था कि हम क्या करते हैं आर ट्यूब्स में हम लोग उसको एड करते हैं एंड हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ सीरम, सीरम को जो हाईएस्ट डाइल्यूशन होता है ओके जो क्या करता है एग्लुटिनेशन अकर्स, हाईएस्ट इंक्यूबेशन हाईएस्ट डाइल्यूशन में सीरम का जो हाईएस्ट डाइल्यूशन होता है उसमें क्या क्रिएट हुआ एग्लुटिनेशन, और हम लोग उसको क्या नोट कर लेते हैं एंटीबॉडी टाइटर। याद रखना हमेशा ट्यूब एग्लुटिनेशन से हम लोग क्या देते हैं एंटीबॉडी का टाइटर देते हैं, कि किस पर हुआ आपको ध्यान दिया होगा 120 उसमें 20 60 ठीक है 80 160 ऐसे करके होता है, मैक्सिमम पर अगर ये हुआ मैक्सिमम पर होता कम से कम डायल, क्योंकि देखो जैसे मैंने स्टार्ट यहां से 1 ml लिया हमने इसमें मिलाया ओके यहां पे हुआ फिर इसमें 1 ml मतलब उसके अमाउंट कम हुआ फिर ऐसे से लास्ट में एकदम से कम हो जाता है, और उसमें भी अगर ये पॉजिटिव आता है इसमें भी अगर एलुमिनेशन हुआ लास्ट वाले में मैक्सिमम डायल्यूशन जो सबसे मैक्सिमम डायल्यूशन होता है वहां पर भी अगर एलुमिनेशन हुआ तो दैट इज द पॉजिटिव, हाईएस्ट पर अगर एलुमिनेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, या ओवरऑल में हमें एलुमिनेट जैसे यहां एलुमिनेशन दिखा यहां दिखा यहां दिखा हाईएस्ट पर ना दिखे, इसका मतलब ये होता है कि दैट इज द हाईएस्ट दिखना चाहिए दैट इज क्या हो जाएगा आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये तो था आप लोगों का ट्यूब एलुमिनेशन टेस्ट। इस ट्यूब एलुमिनेशन टेस्ट का यूज या हम बात करते हैं किस केस में मैक्सिमम ये होता है, मैं शुरुआत में बता दिया हूं कि टाइफाइड फीवर की बात हो जो विड्राल टेस्ट की बात हुआ उसमें जो टाइटल दिया जाता है वो टाइटल किसके द्वारा होता है आपका ट्यूब एलुमिनेशन के द्वारा, और फिर एक्यूट ब्रुसेलोसिस मैंने शुरुआत में बताया इन दोनों के द्वारा उसमें रिएक्शन कराए थे, एक्यूट ब्रुसेलोसिस या फिर टाइफाइड की अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो टेस्ट परफॉर्मिंग किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है ट्यूब डाइल्यूशन के माध्यम से, ठीक या ट्यूब एलुमिनेशन टेस्ट स्लाइड से भी किया जाता है, तो स्लाइड एलुमिनेशन टेस्ट में हमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव देता है, जबकि ट्यूब एलुमिनेशन टेस्ट में क्या नोटेड होता है ये डिनोटेड करता है डेमोन्स्ट्रेट करता है या ये डिटरमाइन करता है किसको एंटीबॉडी टाइटर, एंटीबॉडी टाइटर कैसे देखते हैं मैंने आपको पूरी क्लास में बताया कि सबसे पहले सीरियल डायल्यूशन कर लो, सीरियल डायल्यूशन करने के बाद हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं पर्टिकुलर एंटीजन मिलाते हैं तो उसमें पॉजिटिव में क्या आएगा जो हाईएस्ट डायल्यूट किया हुआ सीरम होता है अगर उसमें भी पॉजिटिव आया उसमें भी एलुमिनेशन हुआ उसमें एलुमिनेशन दिखाई दिया दैट इज द पॉजिटिव, ठीक। तो टाइटल देने की जो बात आती है वो हाईएस्ट वाले को लेकर के करते हैं वहां से लोग करते हैं टाइटल को लिए। यूजेस ऑफ एलुमिनेशन रिएक्शन अगले जो टॉपिक है आप लोगों का यूजेस ऑफ एलुमिनेशन
रिएक्शन। एलुमिनेशन रिएक्शन का यूज कहां कहां होता है या हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ एलुमिनेशन रिएक्शन की बात है तो सबसे पहले याद रखना पहला क्या हो सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कल्चर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कल्चर, ठीक, अननोन कल्चर का हम लोग क्या कर सकते हैं इसके द्वारा क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसका, अननोन कल्चर। अननोन कल्चर का अगर आइडेंटिफिकेशन करना हुआ तो किसके द्वारा कर सकते हैं, एलुमिनेशन रिएक्शन के द्वारा, क्योंकि हमने उसका क्या लिया था कल्चर से में हमने उसकी कॉलोनी को ले लिया, सस्पेंशन बनाया, रिएक्शन कर लिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज कहां होता है, ब्लड ग्रुपिंग में, किसमें होता है, ब्लड ग्रुपिंग में, आप लोग पढ़े हुए हैं तो ब्लड ग्रुपिंग में भी स्लाइड में आप लोग करते हैं, स्लाइड में प्रेजेंटेशन करते हैं, तो ब्लड ग्रुपिंग हो गया और फिर क्रॉस मैच हो गया, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, ठीक, ब्लड ग्रुपिंग में और क्रॉस मैचिंग में करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, एलुमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। इसके बाद हमने आपको और कौन सा टेस्ट, अब इसके पहले भी कराया हूं, जैसे इंटेरिक डायग्नोसिस था, इंटेरिक फीवर, डायग्नोसिस फॉर इंटेरिक फीवर, इंटेरिक फीवर, इंटेरिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए जैसे कि विडाल टेस्ट हमने क्या लिया, विडाल टेस्ट, ओके, विडाल टेस्ट हो गया। टाइफस के लिए विडाल टेस्ट, इंटेरिक फीवर के लिए हमने विडाल टेस्ट लिया, टाइफस, ठीक है, टाइफस को क्लियर करने के लिए एक टेस्ट होता है, आगे आप लोग पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में है, वेलफेरिक्स, वेलफेरिक्स में आपको इससे पहले थोड़ी सी इसके बारे में बताया था, वेलफेरिक्स रिएक्शन, ये आप लोगों के सिलेबस में भी है, नेक्स्ट आगे चैप्टर में मिलेगा आप लोगों को वेलफेरिक्स रिएक्शन। और किसके लिए करते हैं, ब्रुसेलोसिस, ब्रुसेलोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एलुमिनेशन रिएक्शन कराते हैं एंड इंफेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंड इंफेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस, न्यूक्लियोसिस, ठीक है, इन्फेक्टेड मोनो न्यूक्लियोसिस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग पॉल ब्रेड टेस्ट भी बोलते हैं, पॉल बैनल टेस्ट, इसके लिए भी हम लोग क्या परफॉर्मिंग करते हैं, एलुमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। इंटेरिक फीवर को चेक करना हो, अभी विडाल टेस्ट कराना हो या फिर टाइफस के लिए वेलफेरिक्स रिएक्शन कराना हो, ब्रुसेलोसिस के लिए हो गया या मोनोन्यूक्लियोसिस के बाद के द्वारा अगर कोई इंफेक्शन हुआ है जिसको हम लोग पॉल ब्रेड टेस्ट, ये सब किसके अंदर बताते हैं, एलुमिनेशन रिएक्शन के अंदर बताएंगे, ठीक। तो इस तरीके से इनका लगभग यूजेस होता है कि कहां कहां हम लोग यूज करते हैं एलुमिनेशन रिएक्शन का, ठीक। एक और है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस की बात करते हैं, उनके लिए भी हम लोग डायग्नोसिस करते हैं प्राइमरी, जो एटिपिकल निमोनिया की बात करते हैं उनके लिए भी हम लोग इसको क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं एलुमिनेशन टेस्ट का। मेनली आपको याद रखना है 1, 2, 3 यूजेस ऑफ द एलुमिनेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों को विडाल टेस्ट, ये आप लोगों को लाइव टेस्ट भी लगाना है, वेलफेरिक्स रिएक्शन ये भी है आप लोगों को, और इसके बाद आपको मिलेगा पॉल ब्रेड टेस्ट, ये भी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये टेस्ट परफॉर्मिंग किया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में है तो वहां पर आपको इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो चैप्टर था रिएक्शन, आई मीन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसमें जो मेन मेन थे आप लोगों को बताया गया कि क्या क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का आपको डिफिनेशन दिया गया, टाइप्स मैंने बता दिया, उनमें से प्रेसिपिटेशन के बारे में डिफिनेशन था आपके सिलेबस में वो हो गया, एलुमिनेशन के बारे में था आपका वो हो गया कि व्हाट इज एलुमिनेशन रिएक्शन, क्या होता है, टाइप्स ऑफ एलुमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इनके बारे में रेगुलर रूप से, मतलब वेरी गुड, इसके बेहद रूप से आप लोगों को आगे के चैप्टर मिलेंगे, ठीक, आगे के चैप्टर मिलेगा कि फिर किसको क्या पढ़ना है। इसमें एक वर्ड और आप लोगों को बचना है, वो नेक्स्ट टॉपिक में होगा, एंटीबॉडी टाइटर,
एंटीबॉडी टाइटर, जो भी बीच में चर्चा हुआ था मैंने आपको बताया एंटीबॉडी टाइटर, इसकी भी डिफिनेशन को आप लोगों को लिखना है। इसके बाद आप लोगों का अगला चैप्टर चलेगा। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।